नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नाव में पिकअप ने किसान को मारी टक्कर, पत्नी को तहसील में छोड़कर दवा लेने जा रहा था हत्या का आरोप। मोरामा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा मार्ग पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार किसान को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप खंती में पलट गया, हादसे में किसान की मौत हो गई। घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिनाख्त कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। मोरामा थाना क्षेत्र के भाटनखेड़ा गांव निवासी कालीदीन रावत 40 वर्षीय पुत्र गंगा प्रसाद की 15 बिस्वा जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ गई थी। इसका पूर्वा तहसील में वाद चल रहा था। वह पत्नी उषा देवी को बाइक से लेकर तहसील पहुंचा। पत्नी को पेशी कराने की बात कहकर वह अपनी दमा की दवाई लेने जा रहा था, तभी भवानीगंज के पास डाला ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर शव मर्चरी में रखवा दिया। कालीदीन की मौत पर पत्नी उषा, तीन बेटे जीतू, विपिन व अजित रो रो कर बेहाल है। मृतक खेती किसानी करता था। मृतक के साले परमेश्वर ने बताया कि साजिश के तहत यह टक्कर मारी गई है। जमीन के विवाद की रंजिश थी, टक्कर मारकर जानबूझकर हत्या की गई है। मोरामा इंस्पेक्टर चंद्रकांत सिंह ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है, परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।